है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, है वो जग से निराला हमारा नबी। आप एक कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, हमको देगा प्याला हमारा नबी। हर एक फिक्रो निगाहे बशर से कहीं, है बुलंद और बाला हमारा नबी। आमिना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी। जिसके जलवों से शम्सो कमर है खजिल, वो हसी खूब तर है हमारा नबी। नक्शे पासे दरख्शा हुआ रास्ता, रोशनी का मीनारा हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमिना का दुलारा हमारा नबी। भूली भटकी हुई सारी मखलूकों को, जिसने आकर संवारा हमारा नबी। पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। ये तो बरकतें हैं शायरी की, बरकतें है ना, शायरी नहीं है। ये तो बरकतें जो कशीद की गई हैं, अखस की गई हैं, हासिल की गई हैं, वो बरकतें हैं। शायरी क्या है? सबसे आला व औला हमारा नबी। ये शायरी ले सकते, ये शायरी है। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बज़्म आखिर का शम्मा फरोजा हुआ, नूरे अव्वल का जलवा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा। आप सुभान अल्लाह कब कहिएगा? सुभान अल्लाह बीच बीच में कहीं कहीं कह के अपनी मौजूदगी का सबूत पेश करते रहे। मैं पूरे दावे के साथ हजरत अल्लामा तौकील साहिबुल्लाह की मौजूदगी में ये कह सकता हूँ कि दिन का मैंने अब तक जितना जलसा पढ़ा है, सबसे कामयाब, सबसे शानदार महफिल इस वक्त मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दिन की महफिल में लोग बैठते कहाँ? कोई इधर है तो कोई उधर है, बस चाहते हैं लोग जल्दी से खत्म हो जाए। इतने सुकून इत्मीनान के साथ दिन के जलसे को बैठकर सुनते हुए मैंने पहली बार देखा। बिला शुबाम कह सकते हैं ये अल्लामा मुनकशिफ रज़ा बरकाती की बेशक। सुभान अल्लाह, अल्लाह करम फरमाए माशाल्लाह। तो हजरत अल्लामा मुफ्ती तौकील साहब मौजूद हैं, मैं कुछ दिनों से शायरी कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि शायरी हो जाए। तहनीयत के चंद मिसरे हुए हैं अल्लामा मुनकशिफ रज़ा साहब की बारगाह में, हजरत इजाजत हो तो पढ़ें, आप भी सुन लेंगे मोहब्बत से। इसमें कोई गुलू नहीं है, जो शायरी से शगफ रखता है वो मेरी शायरी पर उंगली नहीं रख सकता। गुलू के एक भी लफ्ज और जुमले नहीं पाएंगे आप। वाह बेशक। कि दाईये दीने शरीयत हैं जनाबे मुनकशिफ, दाईये दीने शरीयत हैं जनाबे मुनकशिफ, हामिये कुरानो सुन्नत हैं जनाबे मुनकशिफ। जरा मोहब्बत से जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। दाईये दीने शरीयत हैं जनाबे मुनकशिफ, हामिये कुरानो सुन्नत हैं जनाबे मुनकशिफ। देख कर दीनी तदब्बुर इनके जो अहबाब हैं, कहते हैं अहले बसीरत हैं जनाबे। वाह सुभान अल्लाह सुभान। इनके अखलासो अकीदत है मिसाली इसलिए, इनके अखलासो अकीदत है मिसाली इसलिए, जीनते बज़मे मोहब्बत हैं जनाबे मुनकशिफ, और फैज़े मारारा से करते हैं इशाअत दीन की, कौमो मिल्लत की जरूरत है जनाबे मुनकशिफ। फैज़े मारारा से करते हैं इशाअत दीन की, कौम और मिल्लत की जरूरत है जनाबे मुनकशिफ। है बहुत खुशबख्त एक एक आदमी इस गांव का, इनको देते अज़्म और हिम्मत है जनाबे मुनकशिफ। देख कर हसन सभी के चेहरों पर दीनी निखार, करते शुक्र रब की कसरत है जनाबे मुनकशिफ। नारे तकबीर मेरी, नारे रिसालत मसलक़े आला हजरत, नकीबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आखिर हम उस अजीम हस्ती और बारगाह में खुद को पेश करने जा रहे हैं,
जो जमाने से मुंबई महाराष्ट्र और उसूल बिलाद जिसको कहते हैं, माया नगरी जिसको बोला जाता है, हर शख्स जिसकी ज्यारत और जिसको देखने की तमन्ना अपने दिल में रखता है, उस जमीन पर रह के जहां दुनिया से दुनिया तक लोगों की ज़हनियत रहती है, दीन मतीन की चिराग किलों को तेज करने का जिम्मा जो उठाया, जमाने से आला हजरत के मसलक को मशरक की तरगीब और तजवीज जो कर रहा है, उस अजीम शख्सियत को हजरत अल्लामा मुफ्ती तौकील अहमद साहब शमसी मुंबई महाराष्ट्र सुम्मा सीवान के नाम से जानते और पहचानते हैं। आप एक कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं, प्लस आप वहां के काजी यानी काजी शहर भी हैं। सुभान अल्लाह मनसब पर फायज हैं। अल्लाह तबारक बताले आपकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आइए आपका खिताब, आपकी तकरीर, आपकी मुबारकबादी, आपका जुमला और आपकी दुआएं हासिल करते हैं। नारा अब्दुल कादिर भाई लगाए। नारे तकबीर माशाल्लाह सुभान अल्लाह। खा के नहीं खलवाई, खैले बार लो जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती तौकील अहमद शमसी, हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती तौकील अहमद शमसी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिला शुबहा आप जिगरावां के जो मुसलमान हैं, जो लोग हैं, जो साहिबान ईमान हैं, जिनकी मोहब्बत है, जिनका इखलास, जिनका सपोर्ट, जिनकी हमायत अल्लामा मुनकशिफ साहब के साथ हैं, बच्चों की, बड़ों की, बूढ़ों की, नौजवानों की, बुजुर्गों की, वो काबिल सताइश है। ये तमाम उलमा शोरा मशायख आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि जिस तरह आप दीन में दिलचस्पी लेते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी सकी और इखलास को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। हमारे बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों सबों की उम्र में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए। ऐसा जज्बा, ऐसी मोहब्बत, ऐसा इखलास आपके दिल में रहे और इंशाल्लाह हम हर साल आपसे मिलते रहे। बोलिए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह तबारक व तआला। अब बिल्कुल अदब और एहतराम से अपनी जगह बैठिए और हुजूर मुफ्ती साहब का खिताब सुनाइए।